तो आमतौर पे वेन्सडे के दिन हम निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करते हैं वो तो करेंगे साथ साथ क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे है कल होने वाली निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी आज प्रीपोन हो जाएगी तो आज दोनों निफ्टी 50 निफ्टी प्लस बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन तो एक वैसा ही काफी इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है और इस सेशन के कुछ चैलेंजेस बढ़ेंगे इस बात से क्योंकि आज शाम को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूएस के डेटा पॉइंट्स पॉइंट हैं कल छुट्टी होगी और उन सब डेटा पॉइंट्स में हम एक्चुअली फ्राइडे को रिएक्ट कर रहे होंगे जब ग्लोब के पास दो दिन होंगे उन सब पर रिएक्ट करने के लिए आज और कल का ऐसे में कौन से वो यूएस का मार्च महीने का इन्फ्लेशन प्रिंट आज शाम को आएगा और अगली बैठक से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत अटकले लग रही हैं समर के यूएस फेड के रेट कट होने नहीं होने होने तो कितने क्वांटम के होने कुछ हद तक आंसर शायद आज की इन्फ्लेशन रिपोर्ट दे क्लैरिटी शायद ये दे दूसरी तरफ फेड की जो लास्ट बैठक हुई थी मार्च की उसके मिनट सामने आएंगे कुछ नहीं करा पांचवी बैठक में दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई स्टेटस को था लेकिन फिर भी फेड आके कह रहा है इस साल तीन रेट कार्ड ऐसे में मेंबर्स ने आपस में चर्चा क्या करी क्या निकल के आया था उस बैठक में क्या डिस्कशन हुआ था वो सारा ब्यौरा वो सारे मिनट सामने आ जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिस आज शाम को इंतजार रहेगा खैर वीरो मूड तो ठीक ही दिख रहा है कल थोड़ा सा ऊपरी से पर्स पड़े थे तो आज वापस अस्सी पिचासी अंक मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हुए बिल्कुल आशीष संकेत तो एज ऑफ नाउ अच्छे हैं हालांकि जैसे कि आपने कहा कि यूएस में डेटा फ्लो आज है बट स्टिल अगर डाउ फ्यूचर्स को देखूं तो अभी करीब करीब सत्ताईस अंकों पर ट्रेड करता है मतलब बिल्कुल फ्लैट में कोई ऐसी बहुत निर्णायक स्थिति नहीं है क्रूड एट एटी नाइन थोड़ा सा नीचे है नब्बे से नीचे है थोड़ा कम्फर्ट हमारे लिए है एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग इस वक्त आप देखें तो करीब 1.17 पॉइंट वन पॉन पॉन सेवन परसेंट टू जाकर सब सारे के सारे मार्केट्स लेके आइएगा स्क्रीन पे थोड़ा हैंगसेंग का स्ट्रॉन्ग होना आज स्विंग अच्छा आना आ, ये एक हमारे लिए इस बात का प्रतीक हो सकता है कि मेटल्स में कल हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गए थे हालांकि शंघाई बैकफुट पर करीब करीब इक्तिहाई परसेंट ऊपर बट मेटल्स में हम एक कल स्ट्रॉग मूव देखे गए थे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था तो मेटल्स पर आज एक नजर रहेगी लेकिन इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ पैनल होगा थोड़ा सा मैं आपको उसका एग्जैक्टली exactly एहसास देता हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन होंगे टेक्निकल पैनल में आज हमारे साथ होंगे बातचीत करने करें राजेश सतपुते मानस जायसवाल प्रकाश काबा आशीष बहती प्रशांत सावंत ये आज टेक्निकल पैनल में सम्मिलित हैं और फंडामेंटल नोट पर बातचीत करेंगे आज हमारे साथ आशीष चतुर्मोता और धर्मेश कांत तो ये पूरा का पूरा पैनल आज होगा आपके साथ मुनाफे की तैयारी में आशीष लेकिन गिफ्ट निफ्टी पिचासी अंकों पर वेनसडे के दिन हरियाली के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी देता हुआ तो कल पस पड़े होंगे आज वापस मोमेंटम लौटता हुआ एटलीस्ट शुरुआत के इंडिकेशन इस तरह के एक बात ध्यान रखिएगा अभी मैं ग्लोब दिखाता हूं उसका नीरज बगल में बैठे इनसे ग्लोब के सारे समीकरण समझने हमारे लिए हैंड कैसा था ओवर नाइट और अदरवाइज भी लेकिन कई सारे एशियन मार्केट्स आज बंद हैं राइट फ्रॉम सिंगापुर से लेके साउथ कोरिया मलेशिया इंडोनेशिया सब आज कामकाज नहीं कर रहे अलग अलग रीजन से और लार्जली बहुत सारे मार्केट्स ईद के चलते बंद है जो खुले हुए हैं उनके समीकरण स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको मिला जुला सा कामकाज है कोई निकई एक तिहाई दबाव में है आ, बाकी के स्क्रीन पर है फ्लैट है फ्लैट है हल्के लाल निशान के साथ है पर निकई और शांघाई से हम बहुत ज्यादा क्यूज डायरेक्टली लेते नहीं है जिनसे लेते हैं उसमें आप प्लीज कॉस्ट भी रख दीजिएगा आधे परसेंट वो दबाव के साथ ट्रेड हो तो उभरते बाजार थोड़े दबाव में है यूएस से जो कल शाम का हैंडओवर है वो मिला जुला सा है कोई डाओ एकदम फ्लैट था तो एसएनपी और नासडैक हल्के से हरे निशान में थे और हम जब क्लोज हो रहे थे तो ऐसे ही फ्लैट कामकाज हो रहा तो जैसा छोड़ा था सेशन वैसे ही मिला हाँ आज सुबह के फ्यूचर जैसे वीरू ने मेंशन भी करा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्या है लाजली है तो फ्लैट ही हल्के से ग्रीन

कल भी ऐसा ही हुआ शुरुआत कमज़ोर थी गिरा मार्केट एकदम से एस एन पी एक परसेंट गिर गया फिर पूरा खींच दिया उन्होंने इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो पैसा माल बना लेते हैं इंट्राडेवे स्तर से कर करके छोटा बेचारा फंस जाता है मुनाफा बांधा फिर घुस गए फिर घुस गए तो आपको लगा जैसे अब अब निकल लेना चाहिए तो पता लगा फिर उन्होंने बाइंग करी आप एंटर करें तो ये रेगुलर ट्रेडिंग वहाँ हुई लेकिन बिग पिक्चर ये कि आज का डेटा आने के बावजूद किसी को कोई डर नहीं है बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट बना के उसको सस्टेन कर रहा है जैसे हम लोग कहते हैं ना बचपन की कि अपने क्लास में फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है उसको अगले दस साल तक मेंटेन करना बड़ी बात है तो तेज़ी तो एक बार बना लिया आपने अब उसको आप मेंटेन कर रहे हैं कल हमने जिक्र किया था वेल्स फार्गो ने साढ़े पचपन सौ का टारगेट दिया है एस एन पी का और तरह तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि मार्केट होल्ड कर रहा है छोड़ नहीं रहा है जून की बैठक में क्या होगा अभी पता नहीं है रिजल्ट सीजन उससे पहले ही शुरू शुक्रवार से पता चल जाएगा मैं शाम से कि नतीजे कैसे आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में बड़ी तेजी और किसी एक ऐसी चीज़ को रीड कर रहा है जो शायद हम लोग अब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो सरप्राइज़ फैक्टर आ सकती है चार जून को सुबह एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था एक बहुत बड़ा फंड है उसका अनुमान है कि जून में आधा परसेंट रेट एक झटके में कटेगा फ्रंट लोडिंग होगी पॉलिटिकल रीजन से तमाम चीज़ें वो बताई जा रही हैं अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो शायद हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी होल्ड करना इसके बावजूद कि कमोडिटी में तेज़ी है क्रूड में तेज़ी है चाइना में रिवाइवल दिख रहा इन्फ्लेशन का डर है सब कुछ हो रहा है जियो है ईद के बाद पता नहीं क्या होगा हमास वाला झगड़ा बढ़ेगा क्या होगा लेकिन मार्केट वैसा ही बना हुआ है तो भैया चलती का नाम हम गाड़ी जब ट्रेंड अच्छा ऊपर की तरफ है

दो उधर जोश में ऐसा देख के भी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक है है। <laughs> है है। लेकिन ठीक है, इसी में। बाद में करें। मत अभी। यह है जो तो खराब डेटा के बावजूद बाजार मोमेंटम पकड़ा हुआ है या गिर नहीं रहा है कंसोलिडेट कर रहा है एक दो दिन गिरे भी थे तो सारी रिकवरी फ्राइडे को आ गई वहीं थमे हुए यूएस के मार्केट नजर आ रहे है वो कुछ का इन्होंने सटल सा हिंट दिया है हो सकता है बाजार कुछ समर रिलेटेड फैक्टर इन कर रहा हो जो अब तक डेटा में लॉजिकली नहीं दिख रहा है कुछ हो जाए चलिए वो देखते हैं जब होगा तब होगा पर मार्केट की चाल इस तरह से कुछ इंडिकेट कर रही है तो ऐसे में हैं हैंड ओवर तो बढ़िया ही है फिर बिल्कुल बढ़िया कोई कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं यूएस का हैंड बढ़िया अब लेकर आइए अपना कल का ट्रेडिंग सेशन आ, कल शुरुआत हो गई थी गैप के साथ क्योंकि तो ग्लोबल क्यूज अच्छे थे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि मजबूती के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे तो हम फंस गए वो अटकने वाला जोन जो था उसके आसपास वहां से पस पड़े फिर दिन के दौरान मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करी फिर उन्हीं जोन के आसपास अटके और फाइनली जो एक समय 100 पॉइंट या 102 पॉइंट ऊपर निफ्टी था सेशन की समाप्ति हुई 23 पॉइंट नीचे दिन के हाई से 125 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग लेकिन कल सुबह क्या चर्चा हुई थी वीरू के साथ आ, निफ्टी के लिए जो अटकने का जोन है वो था से का का रेजिस्टेंस का जोन उसी दो बार ट्राई करा और उसी रेजिस्टेंस जोन पे आके भारतीय बाजार पस्त पड़ते हुए नजर वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया